एक बार फिर साथ आए भोजपुरी सिनेमा के त्रिदेव। जी हाँ, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन हुए दिल्ली में एक। अब क्या करेगी इनकी तिकड़ी? आपको बता दें कि निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी पर पूर्वांचल में तीन बड़े काम करने की चुनौती है। ये चुनौती इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय तीनों ने ही इस बात के दावे किए थे। तो चलिए आपको भी बताते हैं कौन से हैं वो तीन काम। सबसे पहला काम, भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराना। साल 1967 से लेकर अब तक 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भोजपुरी भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। पूर्वांचल की जनता इसी आस में बैठी है। तीनों ही नेता पहले भी इस बात के कई वादे कर चुके हैं कि वो भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। रवि किशन तो संसद में इस बात के लिए उदास भी हो गए कि उन्हें भोजपुरी में शपथ लेने का मौका क्यों नहीं मिला। दूसरा बड़ा काम, पूर्वांचल में भोजपुरी के लिए फिल्म सिटी बनवाना। रवि किशन काफी समय से ये कहते आ रहे हैं कि गोरखपुर में भोजपुरी फिल्म सिटी बनवाना चाहते हैं, और अब उनके लिए ये काम और भी आसान इसलिए हो गया है क्योंकि अब वो सांसद बन गए हैं। ऐसे में रवि किशन अब अपना भोजपुरी फिल्म सिटी बनाने का सपना और यंग भोजपुरी एक्टर्स के लिए ये काम जरूर करेंगे। रवि किशन ने फिल्म सिटी बनाने के ऊपर क्या कहा, आप भी सुनिए। रवि किशन कहते हैं, मैं गोरखपुर में एक फिल्म सिटी बनवा रहा हूँ ताकि फिल्मों में करियर बनाने के लिए युवाओं को किसी दूसरे शहर में ना जाना पड़े। तीसरा बड़ा काम, सबसे जरूरी बात, पूर्वांचल के लोगों का विकास। अब बात करते हैं सबसे जरूरी काम की, वो है पूर्वांचल के लोगों का विकास। वैसे सरकारें तो कई आई और गई, लेकिन विकास की गाड़ी आज भी रेंग ही रही है। ऐसे में एक साथ आए श्रीदेव से उम्मीद है ये तीनों एक साथ मिलकर बिहार से यूपी तक पूरे पूर्वांचल में विकास की बयार बहाएंगे। पूर्वांचल लाइव की रिपोर्ट।